रीवा में आयुर्वेदिक महाविद्यालय में महर्षि चरक जयंती का किया गया आयोजन। कॉलेज में ही हुआ चरक संहिता का सामूहिक पाठ। शहर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। बता दें कि रीवा के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में सावन महीने की नाग पंचमी को चरक जयंती मनाई गई है। आयुर्वेद के ग्रंथ के अनुसार आज के ही दिन आयुर्वेद के महान आचार्य चरक का भी जन्म हुआ था। कहा जाता है कि आयुर्वेद को जानने और समझने के लिए आचार्य चरक के चिकित्सा सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आयुर्वेद के चिकित्सकों के बीच आचार्य चरक का महत्व सबसे ज़्यादा है। बताया गया है कि चरक आयुर्वेद के पहले चिकित्सक थे। उन्होंने भोजन के पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा था। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चरक एवं महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। मौजूदा दौर में भारतीय आयुर्वेद को देश के साथ ही विदेश में भी अपनाया जा रहा है और कारगर माना जा रहा है, इसलिए आचार्य चरक को याद करते हुए आज चरक जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर आज आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में महर्षि चरक जयंती का आयोजन किया गया, जहां सुबह 10:30 बजे से महर्षि चरक की पूजा, चरक संहिता का पाठ किया गया। इसके बाद प्रसाद वितरण कर छात्र छात्राओं द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कोठी कंपाउंड शंकर जी के मंदिर पर समाप्त हुई। प्रस्तुत है आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलशेष से प्राप्त जानकारी के अंश। आयुर्वेद कॉलेज में आज चरक जयंती मनाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? महर्षि चरक जो कि आयुर्वेद के एक मुख्य विद्वान महर्षि ऋषि हुए हैं, उनका प्रादुर्भाव दिवस जो है आज नागपंचमी के दिन माना जाता है, ऐसा समझते हैं। कहीं उल्लेख तो ऐसा है नहीं कि इस तारीख को हुए थे, लेकिन हाँ एक शेषावतार होने की वजह से आज नागपंचमी के दिन उनका प्रकट उत्सव मनाया जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में चरक जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आज प्रातः महर्षि चरक की पूजा अर्चना की, आरती करके प्रसाद वितरण किया और उसके पश्चात चरक संहिता जो कि उन्होंने लिखी थी, जो कि आज से लगभग 3,000-3,500 साल पूर्व चरक संहिता जो नामक ग्रंथ है, उसका पाठ हमारे छात्र छात्राओं द्वारा किया गया और उसके पश्चात छात्र छात्राओं के द्वारा एक जन जागरण रैली या शोभा यात्रा आप बोल सकते हैं, एक महाविद्यालय से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कोठी कंपाउंड के शंकर जी के मंदिर पर समाप्त होगी।